एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना अमेज़न शॉपिंग हॉल। सो ये मिक्स्ड हॉल रहने वाला है, मतलब यूजुअली मैं वेस्टर्न कपड़ों की शॉपिंग ज़्यादा करती हूँ, बट मैंने इस बार कुछ सूट्स मंगवाए हैं, कुर्तीज मंगवाई हैं, पैंट मंगवाया है, टॉप मंगवाए हैं, ड्रेस मंगवाया है, मतलब बॉटम मंगवाया, मतलब जीन्स मंगवाया है। मैंने काफ़ी सारी मिक्स्ड चीज़ें मंगवाई हैं। एक दो चीज़ें मैंने पहन के देख ली थी, बट बाकी सारी चीज़ें मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम पहन करके देखने वाली हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। एंड ये सब मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन रहने वाला है। एंड दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद MHS। जिन लोगों को नहीं पता MHS क्या होता है, इसका मतलब होता है माय हॉल स्टोर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, यूजुअली क्या होता है, हम लोग जब भी कोई शॉपिंग करते हैं तो अलग 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 वीडियोज की लिंक्स डालते हैं। तो आपको सिर्फ वो जो माय हॉल स्टोर है उस लिंक पे क्लिक कर देना है, आपको सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना वो ओपन हो जाएंगे। इससे क्या है, शॉपिंग करना काफी ईजी हो जाता है, सारी चीजें एक ही जगह पे दिख जाती है, अलग अलग लिंक को जाकर के क्लिक नहीं करना पड़ता है। तो आप मेरे माय हॉल स्टोर पे जाकर के जो प्रीवियस हॉल्स है वो भी आपको सब इस पे दिख जाएंगे। तो अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं शॉपिंग से। तो सबसे फर्स्ट जो प्रोडक्ट है, जो मेरे हाथ में आता जा रहा है, मैंने रैंडमली ऐसे ही रख के रखा हुआ है। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो टॉप है वो है ये 109F का टॉप। इसको मैंने एक्चुअली पहन के नहीं देखा था, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। कॉटन का फैब्रिक है ये, एंड मस्टर्ड येलो एंड ऑरेंज कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, मतलब काफी हैप्पी कलर में बोलूंगी, वैसे कलर का टॉप है, हल्दी कलर इन शॉर्ट बोलूँ तो हिंदी में। स्लीवलेस है, कुर्ती पैटर्न में है, शॉर्ट कुर्ती पैटर्न में है। सो दिस इज अ कुर्ती कम टॉप आप बोल सकते हो, काफी डिसेंट सा है, मतलब आप पैंट के ऊपर पहन सकते हो, जीन्स के ऊपर पहन सकते हो, किसी के भी ऊपर कैरी कर सकते हो, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, ये मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिला था। इसका एक्चुअल प्राइस है 1499 एंड आई गॉट इट इन 370 रुपीज। इमेजिन, बहुत ज्यादा सस्ता मिला था एंड इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये मैंने एस साइज में मंगवाया है, अभी मैंने इसको पहन के नहीं देखा है, तो आपके सामने वीडियो में मैं पहन के दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो दिस इज माय फेवरेट ड्रेस, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो अभी तक भी मैंने हॉल में शॉपिंग करा है, नॉलेज में होता है ना, एक ड्रेस बताती हूँ जो मेरी फेवरेट है। मैंने बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई नहीं करे हैं अभी भी, बट स्टिल दिस इज माय फेवरेट ड्रेस। ये मैंने मंगवाया है, ओनली ब्रांड का है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द नेक, इसका नेक बहुत ही ज्यादा प्यारा है। एंड बेस्ट पार्ट इज कि ये काफी लॉन्ग है, जो मिडी स्टाइल होता है ना, मतलब नी लेंथ से थोड़ा नीचे है, बहुत फुल लेंथ नहीं है, बट एकदम 3/4 साइज आप बोल सकते हो, उस तरह का इसका लेंथ है। नाउ जिस दिन ये आया था मैंने उसके नेक्स्ट डे इसको पहन करके ऐसे ही देखा, मैंने कहा देखो तो ये कैसा लग रहा है, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा ऐसा है बॉडी स्ट्रेच, बॉडी हगिंग फैब्रिक है। तो यूजुअली बॉडी हगिंग चीजें अब मुझे पसंद नहीं, पहले मैं बहुत पहन चुकी हूँ बॉडी हगिंग वाले टॉप फॉर एक टाइम था, बट अब मुझे नहीं पसंद आता है, मुझे लूज फैब्रिक पसंद आते हैं। तो मैंने कहा देखती हूँ, मैं एकदम इस मन में थी कि इसको मैं रिटर्न कर दूंगी अगर मुझे जमेगा नहीं तो, या एक्सचेंज करके कुछ और ले लूंगी। बट जैसे ही मैंने इसको पहना, ये इतना परफेक्ट लग रहा था मेरे बॉडी टाइप पे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड इतना क्लासी, एलिगेंट एंड स्मार्ट पीस लग रहा था। मैं इसको पहन करके दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा, ये मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया था। एक्चुअली इसका प्राइस है 2299 एंड आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 999 या 900 कुछ में मिला है, जिसका प्राइस मैं यहाँ पर लिख दूंगी, मेंशन कर दूंगी। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लासी ड्रेस, जब मैं पहनूंगी ना तो आपको पता चलेगा कि मैं एक्चुअली में क्या बोल रही थी। हो सकता है वीडियो में उतना जस्टिफाई ना करे, बट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पीस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो मैंने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाया है वो मंगवाया है कुर्ती। तो मुझे W की कुर्ती काफी अच्छी लगती है। फर्स्ट रीजन तो ये है कि उसकी फिटिंग मेरे बॉडी टाइप में एकदम परफेक्ट आती है। तो ये मैंने एक कुर्ती मंगवाया है, दिस इज इन द साइज एस, ब्यूटीफुल सी लग रही है। आप देखिए यहाँ पर इस तरह से काम हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है, ये जो पूरा वर्क है काफी सिंपल सी, सोबर सी है, नॉर्मल पहनने के लिए आप किसी भी ऐसे छोटे मोटे गैदरिंग्स में पहन सकते हैं। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट और इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आई है मेरे को। उसके बाद इसके साथ में पहनने के लिए मैंने जो मंगवाया है वो मैंने एक बॉटम मंगवाया है। सो दिस इज़ अ बॉटम पैंट्स और ये मैंने अगेन W की ही मंगवाई है बॉटम पैंट्स, एंड दिस इज़ अ 3/4 बॉटम पैंट, काफ़ी अच्छी है। यहाँ फ्रंट से इस तरह का बेल्ट स्टाइल दिया हुआ है एंड पीछे यहाँ पर ऐसे इलास्टिक है, वाइड लेग पैंट है ये। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, साथ ही आपको पूरा टीम अप करके बताऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने मंगवाया है, आप लोगों ने काफी लोगों ने भी मुझे आई थिंक वीडियोस में भी काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैं हमेशा ब्लू जीन्स ही क्यों पहनती हूँ, मैं ब्लैक जीन्स क्यों नहीं पहनती हूँ। उसका एक रीजन तो ये है कि मुझे आज तक मतलब काफी टाइम से मैं ब्लैक जीन्स सर्च कर रही हूँ, बट मुझे मेरे को मेरे बॉडी टाइप के परफेक्ट एकदम होता है ना, हाँ ये एकदम परफेक्ट लग रही है, वैसे ही ब्लैक जीन्स नहीं मिली है मेरे पास। जो पहले थी वो टाइट हो चुकी है मेरे को, और ब्लू जितनी भी जीन्सेज है वो सब एकदम कंफर्टेबल, बहुत ही बॉडी हगिंग भी है ना तो भी बहुत कंफर्टेबल है। तो मैं ट्राई करती हूँ ब्लैक मंगवाने का, बट हर बार कुछ ना कुछ झोल हो जाता है। तो मुझे एक जीन्स दिखा ब्लैक कलर का, जो कि ये था बॉयफ्रेंड स्किनी जीन। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुझे परफेक्ट आएगी, अगर परफेक्ट आएगी तो मैं इसको रख लूंगी। बड़े होप्स, हाई होप्स के साथ मैंने इसको मंगवाया था। दो, मेरा लेवाइस के साथ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेवाइस की जो जीन्सेस होती है, मैंने इतनी बार, मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि उसके एक जीन्स मैं पिक करूँ, काफी अच्छा ब्रांड है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है, बट मैं हमेशा ना तो मुझे उसका 27 फिट आता है, ना मुझे उसका 28 फिट आता है, ना ही मुझे उसका 26 फिट आता है, ना ही मुझे उसका 29 फिट आता है। मतलब ये जो चारों साइजेस है ना, इसमें से कोई सा भी साइज मुझे फिट नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ब्रांड होता है ना आपका, कि हाँ ये इस ब्रांड की चीजें मुझे एकदम परफेक्ट आती है, तो वो लेवाइस तो मेरा बिल्कुल नहीं है। मुझे उसकी जीन्सेस बिल्कुल भी फिट नहीं आती है। आई हैड ओनली वन लेवाइस जीन्स, वो भी बहुत पहले, जिसको मैंने सेल में परचेस किया था 600 या 700 में, मुझे वो आफ्टर डिस्काउंट मिला था, जो ईयरली सेल होता है ना, तो वो भी मैंने खरीदा इसलिए किया था कि यार इतने बड़े ब्रांड की जीन्स इतना सस्ता मिल रहा है। वो जीन्स की क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी थी, मैंने उसको लिटरली बहुत ज्यादा ऑल्टर कराया था अपने साइज के अकॉर्डिंग। तो फिर वही होता है, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ लेवाइस की जीन्सेस, बट मैंने एक बार सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, अब तो काफी टाइम हो गया है, बट स्टिल सेम इश्यू हैपेंड विद मी। मैंने 28 साइज का जीन्स मंगवाया, यही मैं ओनली अगर 28 पहनती हूँ, मुझे एकदम परफेक्ट, मतलब पहनने के बाद मुझे ऐसा लगता है हाँ ये जीन्स बस मेरे लिए बनी हुई है। बट इसके जीन्सेस मुझे नहीं फिट आया, ये मुझे बहुत लूज थी, वेस्ट से लूज थी, मुझे थाइस पे बहुत लूज थी, बहुत वियर्ड सी इसकी फिनिश थी। बट आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे है। ये 2000 की जीन्स है, अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1000 में मिल गई थी, 1000 फुल्ली डिस्काउंट था, 50% डिस्काउंट था। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाया है वो है ये वेरोमोडा का टॉप। तो मेरे कलेक्शन में ब्लैक कलर का टॉप ना हो ऐसा हो ही नहीं, मैं ब्लैक हमेशा एक ना एक कोई तो परचेस करती ही करती हूँ। सो दिस इज अ ब्लैक सिंपल टॉप, बट मुझे लग रहा था कि शायद कॉटन होगा, बट ये ना ऐसे वेलवेटी मटेरियल होता है ना, ये उस तरीके के मटेरियल का टॉप है। तो यहाँ पर नेक पे काफी अच्छी सी डिटेलिंग दी हुई है, और सिंपल सा टॉप है, जितनी स्लीव्स मुझे पसंद है उतने, मुझे इतनी स्लीव्स काफी ज्यादा पसंद है, तो ये उतनी स्लीव का टॉप है। तो या ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट परचेस है वो अगेन ओनली का ही टॉप है। तो ये मैंने ना अपने ही साइज का मंगवाया था, मतलब मैं स्मॉल साइज पहनती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ये ना काफी ज्यादा टाइट है, मुझे बहुत ही ज्यादा टाइट है, काफी ज्यादा नहीं। तो ये एक तरफ से पूरा स्लीव है, सो दिस इज अ वन शोल्डर टॉप, एक तरफ से ऐसा स्लैंटिंग है और एक तरफ से स्लीव है इसका। देख काफी प्रिटी रहा था, बट वन शोल्डर टॉप है तो मुझे इसको एक्सचेंज करके बड़ा साइज मंगवाना पड़ेगा। है ये बहुत ज्यादा प्रिटी पार्टी वेयर टॉप है। ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। पहन के तो मैं बता दूंगी, मतलब पहन तो मैं आराम से पाती हूँ, बट वही है कि बहुत ज्यादा ऐसा टाइट टाइट लग रहा है, तो ये मैं रखूंगी, बट इसका एक साइज और बड़ा ले लूंगी। तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेज। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो अगेन ये एक ड्रेस है, ये ड्रेसेस हो रहे हैं, उसके बाद हम सूट पर आएंगे। तो इसको मैंने अभी तक पहन के नहीं देखा है, इसमें ना रिव्यूज बहुत ही गंदे थे अमेजन पे, इस ड्रेस के रिव्यू काफी बेकार थे, बट फिर भी मुझे लेना था क्योंकि मुझे काफी अच्छी लग रही थी। समरी टाइप का ड्रेस लग रहा था मुझे ये, और इस तरह की इसकी फुल स्लीव्स हैं, बैक जो है उसमें ऐसे डिटेलिंग दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ये बैक दिख रहा है, तो ऐसे इस तरह से डिटेलिंग दिया हुआ है काफी डीप सा, और यहाँ पर मिड जो इसकी वेस्ट है ऐसे इलास्टिक पैटर्न दिया हुआ है, तो बर्नट ऑरेंज जो होता है ना, ब्राउनिश एंड बर्नट ऑरेंज, उस टाइप के कलर का ये टॉप है। फ्लोरल प्रिंट्स है इसमें, काफी अच्छा लग रहा था मुझे, ऐसा गर्ली गर्ली एंड क्यूट टाइप का जो ड्रेसेस होता है ना, ये वैसा लग रहा था। तो मैं अभी इसको पहनूंगी तो और अच्छे से मुझे समझ में आएगा कि इसकी फिटिंग कैसी है। मैं लिख दूंगी यहाँ पर नीचे कि मैं इसको रख रही हूँ कि नहीं रख रही हूँ, फिटिंग अगर परफेक्ट होगी तो मैं डेफिनेटली इसको रखूंगी, और अगर ऊपर नीचे होगा तो मुझे, क्योंकि मैंने इसको पहन के नहीं देखा, आई कांट रिव्यू एग्जैक्टली, तो वो अभी देख करके पता चल जाएगा कि मैं इसको पहन करके दिखाऊंगी तब। Baby dancing night away, I'll kick my shoes off if
I want. Let yourself be free and maybe you. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एक लास्ट और टॉप है, तो ये भी अगेन ओनली का ही टॉप है. उसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉप है ये अगेन ऐसे बर्न्ट ऑरेंज कलर का है, ओनली का टॉप है. स्वीट हार्ट शेप का नेक है, बटन्स दिए हुए हैं, शर्ट स्टाइल में है ये बेसिकली. ये जो बटन्स है ना ये ओपन हो जाते हैं एंड पेल्पम शेप है यहाँ से, मतलब इफ़ यू हैव हल्का सा टमी ना तो इस तरह के टॉप आप कैरी कर सकते हो, इट विल नॉट लुक ऑड एट ऑल. अच्छा लग रहा है मुझे, इसका कलर वलर काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो अब आते हैं सूट्स पर. तो एक्चुअली ना जब मैंने इस सूट का पिक्चर देखा था ना अमेज़न पे, तो मुझे ये बहुत प्यारा कलर लगा था, मतलब काफ़ी वाइब्रेंट सा येलो लग रहा था. बट जब ये मेरे पास आया तो ये थोड़ा येलोइश नहीं है, ये दिस इज़ नॉट येलो. ये जो मेहंदी कलर होता है ना, मेहंदी भी जब मेहंदी कलर में येलो कलर मिक्स कर दो तो कैसा कलर बन जाता है, ये उस तरीके का कलर है. नॉट एग्जैक्टली मस्टर्ड येलो और येलो और पेल येलो और जितने भी येलो होते हैं उन टाइप का येलो नहीं है. तो अब ये जो मतलब सूट है, मुझे बहुत ऐसा नहीं लगा कि हाँ इसको रखना ही, मतलब बहुत वाव नहीं लगा है. अब नेक्स्ट जो है इसकी फिटिंग के ऊपर, ये दिखने में पहनने में कैसा लग रहा है उसके ऊपर है. एंड ये इसका बॉटम है, मतलब सिंपल सोबर सा कॉटन का सूट है ये. एंड ये इसका दुपट्टा है जिसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है. दुपट्टा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई सूट. अगर मुझे सूट थोड़ा ऊपर नीचे भी लगता है एंड उसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आता है ना, तो मैं उस सूट को रख लेती हूँ. एंड सेम विथ फिटिंग एज वेल, अगर फिटिंग उसकी बहुत परफेक्ट है ना तो मैं उस सूट को रख लेती हूँ, भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो भी, है ना. तो ये है इसका दुपट्टा एंड देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. दुपट्टा इसका कॉटन का ही है, पूरा सूट एकदम प्योर कॉटन का है. बट मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब यू कैन गेट इस टाइप का सूट क्वालिटी आराम से, मतलब नॉर्मल रेंज में भी. सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है रंगरीति का सूट, मैंने मंगवाया है पूरा. तो ये है इसका कुर्ता, बहुत ही प्यारा लग रहा है. इसका कुर्ते का कॉम्बिनेशन आप देखिए, बिल्कुल एकदम जो ऐसे होते हैं ना पीकॉक के ऊपर जो डिज़ाइन होता है उसकी लीव की तरह, उस तरह का कॉम्बिनेशन है. तो ये वाइट पे इतना उठ के आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. तो ये है इसका कुर्ता एंड ये इसका बॉटम है, अगेन प्लाजो स्टाइल में ही है, वाइट कलर का है एंड ब्लू कलर की ऐसी बूटीज बनी हुई हैं. रेयॉन का फैब्रिक है, दिस इज़ नॉट कॉटन एग्जैक्टली, कॉटन मिक्स रेयॉन लग रहा है मुझे ये. एंड इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब मुझे ऐसा लगता है इस दुपट्टे की वजह से पूरा लुक आएगा इस सूट में. सो ये दो शेड का दुपट्टा है, जिस शेड का यहाँ पर वो दिया हुआ है ना, तो आप देखो अगर मैं इसको ऐसे कॉम्बिनेशन करती हूँ ना तो ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. और पहन के दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा एग्जैक्टली कि मैं क्या बोल रही हूँ. तो यस, अब फिटिंग वगैरह देखते हैं कैसी आई, कैसी मुझे रहेगी, क्योंकि मैंने भी अभी तक इसको ट्राई करके नहीं देखा है. सूट्स मैंने कुछ भी ट्राई करके नहीं देखे, मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने ही ट्राई करूंगी. तो इसका दुपट्टा भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है. इसका एक्चुअल प्राइस है 2000 रुपए और ये मुझे सिर्फ 800 रुपीज में मिला है. इमेजिन, मतलब वर्थ बाइंग है, वर्थ बाइंग. गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन. रंगरीति के काफी सारे चीजें मेरे पास ऑलरेडी है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है. सो दिस इज अ वर्थ बाइंग. उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक और सूट मंगवाया है. तो पिक्चर था ना वो अलग दिख रहा था एंड ये मेरे पास आया है, ये अलग आया है. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉपी नहीं होता है, कॉपी कर देते हैं एक किसी चीज़ को, उस तरह का कॉपी वाला वर्जन है. बट क्वालिटी वाइज और दिखने में अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे चीप मटेरियल नहीं लग रहा है. तो ये इसका कुर्ता है, इसको मैं पास से आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ. ये इसका सिंपल सा नेक है एंड 3/4 स्लीव्स है इसकी. तो आई यूजुअली डोंट लाइक 3/4, या तो मुझे फुल पसंद है या मुझे इतना पसंद है. तो मैं इनको ऑल्टर करवा लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग. मेरे सारे सूट्स की स्लीव्स आपने इतनी देखी होगी, क्योंकि मुझे ये वाला स्लीव जमता नहीं है. तो ये है और इसका जो बॉटम है वो भी इसे वाइट कलर का है और नीचे हल्के से प्रिंट्स बने हुए हैं. काफ़ी सुंदर प्रिंट्स है, मतलब बहुत ही सुंदर प्रिंट है. आई एम नॉट श्योर कि ये हैंड पेंटेड है या नहीं है. और इसका जो दुपट्टा है ये ऐसे प्लेन वाइट कलर का कॉटन का ही दुपट्टा है, कुछ नहीं किया हुआ है. तो ये सूट भी जब मैं पहन करके दिखाऊंगी तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा. समझ
आप जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको क्या अच्छा लगा है, आप क्या परचेस करने वाले हैं। माय होल स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, चेक जरूर करिएगा। आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।